हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल ऑटोनोमस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है मेजरमेंट ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर एक बाल नुमा बेलनाकार संरचना होती है जो प्रायः ग्लास से या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम से बनाई जाती है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है और इसका मुख्य कार्य दृश्य प्रकाश या फिर इंफ्रारेड लाइट को लंबी दूरी तक प्रसारित करने में काम में लाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की संरचना की बात करें तो हम देखते हैं, चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये ऊपरी जो जैकेट है इसे हम आउटर जैकेट कहते हैं, फिर अंदर वाले कवर को हम स्ट्रेंथ मेंबर कहते हैं, इसके बाद कोटिंग होती है, फिर क्लैडिंग होती है और सबसे बीच में होती है कोर। कोर और क्लैडिंग दोनों ही ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी होती है, किंतु इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर होता है। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम N1 कहें और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम N2 से प्रदर्शित करें, तो यह आवश्यक शर्त है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर से मैक्सिमम ट्रांसमिशन के लिए यह आवश्यक शर्त है। दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ चुका है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक क्रांतिक कोण होता है, क्रिटिकल एंगल थीटा सी से, जिसे प्रदर्शित किया जाता है। यहां चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो क्रांतिक कोण है यदि थीटा सी है, तो हमारा आपतन कोण सदैव इस क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तभी हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त होगा। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होगा तो किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित न होकर अपवर्तित हो जाएगी। यहां पर एक सूत्र दिया गया है जिसके माध्यम से हम क्रांतिक कोण थीटा सी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स N2 अपॉन N1। हमने N1 अर्थात कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है और N2 को हमने क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है। किसी ऑप्टिकल फाइबर के लिए एक्सेप्टेंस एंगल एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे समझना आवश्यक है। किसी ऑप्टिकल फाइबर के लिए एक्सेप्टेंस एंगल वह अधिकतम कोण होता है जिसकी कोर से फाइबर में प्रवेश करने वाली आपतित किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर में आगे बढ़ती है। आइए इस बात को चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहां ऑप्टिकल फाइबर दर्शाया गया है, हम देख रहे हैं कि एक शंकु बन रहा है। यहां से प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण और इस कोर से प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें, यदि इस एंगल के भीतर जो भी प्रकाश किरणें प्रवेश करेंगी ऑप्टिकल फाइबर में, ये निश्चित रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा आगे बढ़ पाएंगी। चित्र में एक्सेप्टेंस एंगल को 2θ से दर्शाया गया है। यदि 2θ की वैल्यू से अधिक कोण पर कोई प्रकाश किरण ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करती है, तो ऑप्टिकल फाइबर में उस प्रवेश करने वाली किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुभव नहीं करेगी। अब हम न्यूमेरिकल अपर्चर की बात करते हैं, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है। न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है? न्यूमेरिकल अपर्चर किसी ऑप्टिकल फाइबर की प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता की माप है। इसे चित्र में एक्सेप्टेंस कोण के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा एक्सेप्टेंस कोण है। एक्सेप्टेंस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, जहां N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का। दोस्तों, ये वो हमारा उपकरण है जिसकी सहायता से हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का न्यूमेरिकल अपर्चर ज्ञात करेंगे। इस हिस्से में हमें एक फंक्शन जनरेटर दिया गया है और इस हिस्से में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ट्रांसमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। यदि हम उपकरण पर विचार करें तो हम देखते हैं कि
हमें केवल इस उपकरण के कुछ ही भागों का इस्तेमाल करना होगा। आइए अब हम इस एपरेटस पर विचार करते हैं। हमें जो किट प्रदान की गई है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें इतने सारे कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर की आवश्यकता है जो अपेक्षित फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोवाइड कर सके। साथ ही हमें एक ट्रांसमीटर की आवश्यकता होगी। ट्रांसमीटर का काम है आरोपित इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करें। प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए एपरेटस के अलावा हमें कुछ एसेसरीज की भी आवश्यकता होती है। सबसे मुख्य एसेसरीज तो हमारी पावर सप्लाई ही है। उपकरण के साथ हमें जो पावर सप्लाई प्रदान की गई है इसमें हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो हम +5 वोल्ट पावर सप्लाई का यूज करें अथवा हम +12 वोल्ट पावर सप्लाई का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमें 3 और घटकों की भी आवश्यकता होगी। यहां आप देख रहे हैं ये 1 मीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल है, एक स्टील रूलर है जिससे हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, साथ ही एक स्टैंड की हमें आवश्यकता होगी। ये स्टैंड किस काम आता है? इस स्टैंड में एक बारीक सा होल बना हुआ है, इस होल में हम फाइबर ऑप्टिक केबल के एक सिरे को नट के द्वारा स्क्रू के द्वारा कस सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टैंड के निचले सिरे पर एक ग्राफ पेपर लगाया गया है। ये जो पोर्ट आप देख रहे हैं यहां हम 1 मीटर लंबे फाइबर ऑप्टिक केबल को यहां से कनेक्ट करेंगे, साथ ही पावर सप्लाई की ये वाली जो पिन है उपकरण के इस हिस्से से हम कनेक्ट करेंगे। यहां आप देख रहे हैं हमने पावर सप्लाई के कनेक्टर को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, साथ ही हमने फाइबर ऑप्टिक केबल को इस पोर्ट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम फंक्शन जनरेटर को ट्रांसमीटर से कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हम फंक्शन जनरेटर के साइन वाली जो पोर्ट है इसको हम ट्रांसमीटर के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि ट्रांसमीटर की इंटेंसिटी वाली जो नॉब दी गई है ये फुल्ली क्लॉकवाइज रोटेट की जाए, अर्थात ट्रांसमीटर की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। यदि ऐसा होगा तो फाइबर ऑप्टिक केबल से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम होगी। अब हमारे सारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब हम पावर सप्लाई को ऑन करके ये देख सकते हैं कि हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल से लाइट उत्सर्जित होना प्रारंभ हुआ है या नहीं। हम देख पा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से लाइट उत्सर्जित हो रहा है जिसकी इंटेंसिटी काफी अधिक है। इस प्रकार हम इस प्रकाश की ऑप्टिकल फाइबर केबल की न्यूमेरिकल एपर्चर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अब हमें स्टैंड की आवश्यकता होगी। हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल के एक सिरे को इस स्टैंड से इस प्रकार लगाया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का सिरा दिए गए स्टैंड से 10 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित रह सके। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें पर्याप्त रूप से अंधेरी की आवश्यकता होगी, इसलिए हम सारी लाइट की स्विचेस ऑफ कर देते हैं। अब हमें करना क्या है? ये जो स्पॉट हमें दिखाई दे रहा है इस स्पॉट की एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर इसका हमें डायमीटर ज्ञात करना है। अब हम देख ही पा रहे हैं कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल हमने लगाया हुआ है ये स्टैंड के साथ 10 मिलीमीटर की दूरी पर है। यदि हमें ये डायमीटर पता लग जाए तो हम फार्मूले में वैल्यू रखकर ऑप्टिकल फाइबर केबल का न्यूमेरिकल एपर्चर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हमने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया। हमने देखा कि फाइबर ऑप्टिक केबल से निकलने वाले प्रकाश को हमने एक ग्राफ पेपर लगे हुए स्टैंड पर आपतित कराया। जितने क्षेत्र में प्रकाशित पुंज प्राप्त हो रहा था उस प्रकाशित पुंज का डायमीटर ज्ञात करने के लिए हमने एक्स अक्ष पर डी और ई बिंदु लिए और वाई अक्ष पर हमने बी और सी बिंदु लिया। इस प्रकार एक प्रकाशित हमें एक ट्रायंगल प्राप्त हुआ है। डी और ई को हमने स्केल से नापा तो ये हमें 15 मिलीमीटर प्राप्त हुई है और बी और सी को हमने
स्केल से नापा तो ये भी हमें 15 मिलीमीटर प्राप्त हुई। आइए अब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। न्यूमेरिकल एपर्चर का फार्मूला है साइन थीटा मैक्स इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर आर रेडियस है और डी डिस्टेंस बिटवीन फाइबर टिप्स टू द स्क्रीन, जो कि हमने प्रैक्टिकल में 10 mm सेट की हुई है। आर अर्थात रेडियस निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे DE प्लस BC अपॉन 4, और DE और BC की वैल्यू हम रखते हैं तो हमें R की वैल्यू प्राप्त होती है 7.5 मिलीमीटर। R और D की वैल्यू को रखने पर हमारा न्यूमेरिकल एपर्चर 0.6 प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, इस तरह हमारा एक्सपेरिमेंट समाप्त होता है। हमें न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू 0.6 प्राप्त हुई है। न्यूमेरिकल एपर्चर एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है। पहली सावधानी तो ये है कि ऑप्टिकल फाइबर में कोई फोल्ड या ट्विस्ट नहीं होने चाहिए, अन्यथा अननेसेसरी पावर लॉस होगा। दूसरी सावधानी ये हो सकती है कि हम जो भी कनेक्शन करें वे प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। दोस्तों, ऑटोनॉमस एकेडमी चैनल में स्टूडेंट ही टीचर की भूमिका में होते हैं। परिश्रम से लेक्चर मटेरियल तैयार करके उसे इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि विषय वस्तु क्लासरूम टीचिंग की कमियों की भरपाई कर पाए। दर्शकों से अनुरोध है कि विद्यार्थियों के इस प्रयास को प्रोत्साहित करें। यदि आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। एजुकेशनल चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या कम ही होती है क्योंकि यहाँ दर्शक वर्ग बड़ा ही सीमित होता है। फिर भी परिश्रम को देखते हुए हम यह आग्रह जरूर करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और सभी परिचितों को चैनल की लिंक जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।